और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मूक नायक के शताब्दी महोत्सव में कई हस्तियों को कोकण दर्पण पुरस्कार, संबुद्धा के संगीत ने भरा रोमांच। Tonight, welcome each and every one present over here to this beautiful musical meditation, yes, which is globally accepted. Everyone who's looking for the inner peace somewhere needs to connect with the Sambuddha. Me and my entire team today are going to take you on this wonderful piece of journey. So, ladies and gentlemen, before I start, let's have a huge and thunderous round of applause and let's enter the musical journey of Sambuddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. जैसा तू सोचेगा वैसा बन पाएगा, अपने ही जीवन में हरियाली लाएगा। जैसा तू सोचेगा वैसा बन पाएगा, अपने ही जीवन में हरियाली लाएगा। सुख का घर तेरे अंदर, उसके बाहर तलाश न कर। सुख का घर तेरे अंदर, उसके बाहर तलाश न कर। जहां हो मार्ग आंखों के सामने है, ये याद रखिए, क्योंकि मनुष्य जो है वो बहुत जल्दी भटक जाता है। उसको मार्ग समझना बहुत जरूरी है। जीवन के सुख दुख मार्ग है, जीवन की सफलताएं असफलताएं मार्ग हैं। जिसने मार्ग पूरा कर लिया वो कौन है? वही जिसने जीवन की धूप में अपने आप को पका लिया, जीवन की गहराइयां और ऊंचाइयों को छुआ, सभी अनुभव को बांध लिया, गिरा, उठा, संभला, फिर उठा, फिर चला, अगर ना हो सके तो रेंगने की कोशिश की लेकिन कभी रुका नहीं। जिसने सुख आया तो अपने आप को सुख ना समझा, जिसने दुख आया तो अपने आप को दुखी ना समझा, जो आया उसे स्वीकार किया, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि इंसान चाहतों के बीच हमेशा उलझता रहता है। जीवन में कुछ भी अकस्मित अकारण नहीं घटता। जीवन जो भी है सकारण है, और इस सकारण जीवन श्रद्धा के साथ श्रद्धामय हो, आदर स्नेह और सम्मान से पूर्ण हो। बुद्ध के इस विचारधारा से प्रेरित आइए दूसरा ट्रैक आपके समक्ष पेश करते हैं। हो सके तो शब्दों को थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करें। श्रद्धा तेरी तुझको ध्यान देगी,
सरलता जीवन की बनाए रखना, यही धर्म है जनमानस हित में अंतर मन से जुड़ना, यही धर्म है पवित्रता जीवन की बनाए रखना, शुद्ध है मन में बस बुद्ध है, वाणी सत शुद्ध है मन में बस बुद्ध है, संबुद्ध सुगम्य उदंड बहुजन सुखाय, संस्कार अनित्य है यही पूर्ण सत्य है, जन सुबोध सम्यक विमुक्त बहुजन हिताय, वाणी शत शुद्ध है मन में बस बुद्ध है, संबुद्ध सुगम्य उदंड बहुजन सुखाय, पूजे विबुद्ध कुसुमिल दीन पुल्येन मीतेन वाशी के विष्णुदास भावे ऑडिटोरियम में संबुद्धा के रोमांचक संगीत के बीच बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा प्रारंभ अखबार मूक नायक का शताब्दी महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर गुरुवर्य बालाराम पाटिल को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर समाज दर्पण पुरस्कार, पत्रकार संजय आवटे को बाबा साहब आम्बेडकर समता पुरस्कार, पुलिस अफसर अर्जुन गरड़ को शहीद योगेश पाटिल शौर्यश्री पुरस्कार, उद्यमी शरद सावंत को कोकण रत्न, शिवसेना जिला प्रमुख शिरीष घरत को भूमि रत्न, डॉक्टर संजय तारलेकर को हृदय पुरस्कार, बिल्डर वीरेंद्र यादव को उद्योग दर्पण और शाहनवाज खान को उद्योग पर्यटन पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर जी के डोंगर गांवकर ने कोकण दर्पण समारोह की सराहना की, वहीं आयोजकों ने अतिथियों और सत्कार मूर्तियों का आभार जताया। कोकण दर्पण या साप्ताहिक सत्याग्रह महाविद्यालयाच्या संयुक्त विद्यमानाने संबुद्धा हा एक आगळा वेगळा जागतिक ज्याला लौकिक पावलेले आहे असा कार्यक्रम हा साजरा करण्यात आला। समाजाच्या सर्व स्तरातील विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या विशेष योगदान देणाऱ्या मान्यवरांचा या ठिकाणी सन्मान करण्यात आला आणि त्यानंतर भगवान बुद्धाचा खरा धम्म कुठला आहे आणि त्या मार्गाने गेल्यानंतर आपल्या जीवनामध्ये आपण कसं सुखी होऊ शकतो याचा स्वयं सत्याच्या शोधामध्ये सर्व इथल्या प्रेक्षकाला
या संबोधन घेऊन गेलं त्याबद्दल आणि या ठिकाणी सर्व जी मंडळी आली त्याबद्दल सर्वांचा धन्यवाद व्यक्त करतो. बाबासाहेबांच्या पत्रकारितेचा वारसा हाच्या विद्यमान मीडियाने जपला पाहिजे, कारण जिथं सामाजिक पत्रकारिता आहे, सामाजिक बांधिलकीची पत्रकारिता आहे, तिथंच नवा समाज आपण निर्माण करू शकतो. या भावनेनं अखंड समाजाला न्याय देण्यासाठी जे बाबासाहेबांनी पत्रकारिता केली त्याचा वारसा जपण्यासाठी कोकण दर्पणने मूक नायक शताब्दी महोत्सव साजरा आयोजित केलेला होता आणि त्यानिमित्ताने हा समाजाला मेसेज देण्याचा आमचा प्रयत्न होता. शताब्दी निमित्ताने आज कोकण दर्पणने समाजातल्या विविध क्षेत्रातल्या मान्यवरांना ह्या ठिकाणी कोकण दर्पण सामाजिक पुरस्काराने सन्मानित केलं. त्याबद्दल मी सर्वप्रथम कार्यक्रमाचे आयोजक माझे पत्रकार मित्र संजय माळिक यांचा मनपूर्वक आभार करतो, त्यांना शुभेच्छा व्यक्त करतो. आणि ह्या माध्यमातून आज जागतिक महिला दिनाच्या निमित्तानं बाबासाहेबांना स्मरून हा जो ह्या ठिकाणी कार्यक्रम झाला त्या बाबासाहेबांनी समस्त महिलांना महिलांचा उद्धार केला आणि त्या बाबासाहेबांच्या आज महिला दिनानिमित्ताने त्यांचं स्मरण पुरस्काराच्या रूपाने झालं याचा मला अत्यंत आनंद आहे. कोकण दर्पण अखबारद्वारे आयोजित इस कार्यक्रम में शहीद योगेश पाटील के माता पिता सुनीता शिवाजी पाटील, स्वागताध्यक्ष बी.ए. पाटील, समाजसेवी कमलेश पटेल, सूरज मात्रे, नगरसेवक सुनील पाटील, रामा सेठ वाघमारे, गौतम बलवंते, वरिष्ठ पत्रकार विश्वनाथ नायर समेत तमाम लोग खासतौर पर मौजूद थे. संपादिका संजना महाड़िक, कार्यकारी संपादिका जाह्नवी सालपेकर एवं रघुनाथ सालपेकर, मंगल शिंदे ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. वहीं संबुद्धा मेडिटेशनल म्यूजिक के प्रस्तुतकर्ता पावा ने कार्यक्रम में आमंत्रण के लिए आभार भी जताया. एक हिस्टॉरिकल इवेंट होता मूक नायक शताब्दी निमित्त आणि थँक्स टू संजय सर आणि चंदू दादा जगताप सर, त्यांनी आम्हाला इन्व्हाइट केलं. एक स्पिरिच्युअल प्रोजेक्ट आहे आमचा, ग्लोबल पीस आम्ही प्रमोट करतो, बुद्धिझम, एक पीस टू म्युझिक असा आमचा म्युझिकल मेडिटेशनचा इव्हेंट आहे. आणि थँक्स फॉर इन्व्हायटिंग. आणि आमची सगळी टीम आहे, एक देश विदेशातले आमचे कलाकार आहेत, ते इथे आले आणि आम्ही परफॉर्म केलं. एक आम्हाला अपॉर्च्युनिटी मिळाली. नवी मुंबईमध्ये आमचा सेकंड प्रोग्राम आहे. ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही ऑन इंडिया.